आपको एक बात बता रहा है बंधु, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आप इस सवाल का दूसरा पन्ना को देखने से सारा दुनिया जूझ रहा है, हम लोग अकेला नहीं है। महामारी में आपने जो समस्या बताया वो पक्का है, लेकिन जब महामारी झेल रहे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सारा दुनिया झेल रहा है, हम कभी कभी प्रैक्टिकली बोलते हैं हमारा ईटानगर में जितना गरीब है उससे दिल्ली बम्बई में ज़्यादा गरीब है, लेकिन उधर भी लॉकडाउन होता है, लेकिन सवाल जवाब वहाँ कम होता है। हमने थोड़ा पहले ट्रेवल इगोइज्म को बताया, हम सेंक्टिटी माइथोलॉजी, हम अपना सेंक्टिटी को इज्जत करता है, कभी भी भूखा नहीं मिलता है, कैसे भी मैनेज करता है। थोड़ा पॉजिटिवली देना दोस्तों, मेरा तहे दिल से बोलता है हर चीज़ को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, कोई आर्गू करने के लिए बात करने से भी उसको आप आर्गू नहीं करेंगे। खास करके ये महामारी को और लॉकडाउन को हम लोग पॉजिटिवली लेने से बाकी सब हार जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा लड़ाई है, एक दो आदमी से नहीं जीतेगा, इसमें सब टीम लड़ना है, लेकिन सब टीम जो है अलग अलग दिमाग नहीं होना है। आप लोग मीडिया हो, हम पब्लिक हो, लीडर हो, सरकार हो, अलग अलग नहीं होना है, इसमें पेशेंस होना है और डिटर्मिनेशन होना है, संयम होना है, संकल्प होना है, हम दो बात हमेशा बोलते हैं। आपने बोला सरकार को किसी किसी चीज़ में छूट क्यों नहीं है, अब लॉकडाउन होने से बहुत सरकारी वाला तो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, हमारा पुलिस वाला दिन रात अपना जान जोखिम में, ये पीपी किट भी वो लोग को नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग काम कर रहा है आज भी। हाँ, हम लोग भी बिना पीपी किट में काम किया, आप लोग देखते ही है कॉरपोरेटर लोग सब ओपनली निकलता है। हम सरकार को, आप जो बात बोला है सरकार को, ऐसा है कि सरकार भी जो जो रिलैक्सेशन देना है सब दे रहा है, अभी भी बार बार बता रहा है, मोदी जी ने एक महीना का चावल बांट, अभी फिर अगला महीना भी बांटेगा और ये 3 रुपया वाला भी देगा, कहीं में किसी को घोटाला नहीं, एक दूसरा को हम लोग शक नहीं करना है। आपने अच्छा सवाल किया, ये रिलैक्सेशन का जो पार्ट है, रिलैक्सेशन सरकार पक्का देंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देख के, पानी का है या आपका बिजली का है, वो चीज़ को देख के पक्का कंसीडर करेंगे। मेयर साहब आज क्या है, इसको 7 डेज का अंदर में भी आप लोग ले लीजिए, नहीं होने से लॉकडाउन उसी परसेंटेज का ऊपर कंटिन्यूस होगा। अब लॉकडाउन करना है नहीं करना ये हम लोग का समस्या नहीं है, हम लोग का समस्या कोरोना को हराना है, लॉकडाउन को हटाना है, तब इसको गवर्नमेंट CM हम आप नहीं हटा सकते हैं, पूरा पब्लिक जाके हटाना पड़ेगा, SOP को मानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके हटेगा, यही सच्चाई। मेरा एक सवाल सर जनता का तरफ से है सर, जनता का ये कहना है कि सर चलो लॉकडाउन के चलते सर कमाई, हम हर कॉरपोरेटर में, हर कॉरपोरेटर को हम लोग ने बैठ के हम लोग एक तो कैलकुलेशन किया, आंकलन किया, हमने सही में जो प्रॉब्लम है, हमने बार बार बता रहा है, ये जो पहले BPL बोलता था अंतोदया वाला, वो चावल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर अपना एक हाउस होल्ड बोल के उसको भी दिया, और बाकी जो जेल पा रहा है वो जेल रहा है, जो बिल्कुल जेल नहीं पा रहा है, इसमें खास करके ट्रेवल को हम बार बार बोलते हैं, ट्रेवल कैसे भी करके जेल लेगा, कैसे भी करके मतलब रिलेटिव होता है, कुछ अपना भी ईगो होता है, अपना आदमी को मरने नहीं देगा, इज्जत का मामला है। जो नॉन ट्रेवल है और दूर दराज का आदमी, ट्रेवल होने से भी जो तिराप का है, चंगलंग का है और आगे तवंग का है, जो स्ट्रैंडेड हो गया, फंस गया वाला, वो लोगों के लिए है, वो तो हम लोग देखने से 2000-3000 जैसा है, लेकिन इस बार हम 5700 का टारगेट आज का ही है, लगभग 6000 का टारगेट है आज का ही है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लोगों ने एक बैनर तैयारी किया था, बैनर एक तो तैयार किया, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्ट्रैंडेड लॉकडाउन में एक होता है स्ट्रैंडेड, जो तैयार नहीं करके रह गया वाला, दूसरा जो है हमारा यहाँ का जनजाति जो अपने इंडिजिनस है, और बाकी तो नौकरी वाला के लिए था आप लोग मालूम है। हम लोग का ये खास करके ये मिशन जो स्ट्रैंडेड है, स्ट्रैंडेड मतलब आप सबको पता है जो फंस गया वाला, वो स्टूडेंट भी है, वो हमारा नॉन अरुणाचली भी, जैसे आप कॉपलर्स है और जो आपका जो बाल काटता है वो ठाकुर लोग हैं, उसका बाद जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो उन सब हम लोग का माँ बहन पिताजी लोग के लिए, उन लोगों के लिए खास करके आज का ये डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल कमोडिटी करके है। हम लोग हर घर में 10 kg अनदर 7 डेज के लिए, ये ज़्यादा ही हो गया बोल के लॉकडाउन, 7 डेज के लिए 10 kg करके देंगे। उसके साथ मैंने बताया आपको नमक है, MOL है, उसके बाद दाल है, बेसिक चीज़ सब दे रहा है खाना का।
सर, ये कंटिन्यूस लॉकडाउन को पैटर्न को देखने से तो सर बहुत से लोग तो स्टैंडर्ड जैसा ही है, जैसे कि आपका सर बिजनेस बोलने से भी रेस्टोरेंट हो गया, आपका जिम हो गया, ये सब भी तो पूरा बंद पड़ा हुआ ही है, इन लोगों के लिए कुछ है क्या आपके तरफ से? नहीं, देखिए कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, SOP होता है, अभी भी अगर इवन आफ्टर 7 इफ गवर्नमेंट डिसाइड टू अनलॉक द सिटी और द स्टेट, तो इट विल बी विद क्लियर कट परव्यू, उसमें क्लियर कट डायरेक्शन रहेगा कि आप जैसे आपने अभी जैसे जैसे बात बताया कि वो जिम वाला में संक्रमण होने का चांस है, सिनेमा हॉल हो गया, जिम हो गया, मॉल हो गया, उसमें ज़्यादा आदमी का मूवमेंट होता है, इसलिए वो चीज़ नहीं खोलेगा। इसलिए कुल मिला के हम ये बताना चाहता है कि अगर लॉकडाउन को हम लोग पार्शियली खोलना भी है तो आधा आधा खोलेगा और वो अपना अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करके SOP का मुताबिक ही करेंगे। सर, ये जो स्कीम है स्पीच में तो बता दिया, तो हम आपसे जानना चाहिए इस जो प्रोग्राम है वो कौन इनिशिएट किया और ये क्या सरकार का ही जो चल रहा है पॉलिसी उससे आप लोग चावल दे रहे हैं या एक्सटेंशन कमोडिटी दे रहे हैं या फिर आप लोग अपना IMC का तरफ से दे रहे हैं? IMC का तरफ से नहीं है, मैंने क्लियर कट बता दिया। हाल ही में देखिए, एक तो हमारा सोशल मीडिया में बहुत एक वायरल हुआ था हमारा चिट्ठी का बात लेके, कुल मिला के कहीं ना कहीं ये बात उससे जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ इसलिए है कि हम लोग का ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम नया चुन के आया, तो हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हम अपना पब्लिक को ज़्यादा इनकाउंटर करता है डेली, वो लोग का समस्या को, वो लोग का प्रॉब्लम को डेली मिलता है। और हमारा लोकल आदमी लोग आपको सीधा मालूम है, वो 15-20 दिन कंटेन करके बैठने से वो लोग अनइजी एक तो फील हो जाता है, चावल के लिए नहीं, ऑफिस नहीं जाना होने से भी वो लोग का एक अनइजीनेस फीलिंग शुरू होता है। उसका चलते ये लास्ट मीटिंग को, ये 4th लॉकडाउन डिक्लेयर होने से पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीक्रेट का बात नहीं, और हम सीक्रेट रखता भी नहीं, आप लोग मालूम है तमें पसंद से आप लोग बाइट ले रहे हैं, I am very clear। ये बात है कि चीफ मिनिस्टर जब 7 माह का SDMA का मीटिंग करने जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर साहब हेडिंग करता है, NDMA का जब मीटिंग होता है तो, नेशनल का जब होता है तो प्राइम मिनिस्टर जब हेडिंग करता है, वो लोग मीटिंग होने से पहले हर संगठन को, हर किसी को वो लोग जो है अपना ग्राउंड रियलिटी को वो लोग फीडबैक मांगता है। तो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हमको ऊपर से डायरेक्शन आया कि आप लोगों का बैठक करो, कि कॉरपोरेटर लोग के साथ बैठक करके उसको फीडबैक दे बोला, तो फीडबैक दे बोला है, तो हम लोग का कॉरपोरेटर लोग का ये मानना है कि यहाँ ट्रेवल आबादी ज़्यादा है और लॉकडाउन नहीं होने से ठीक है बोला, और लॉकडाउन होने से ठीक है बोला है, तो हम लोग जो है सही चीज़ को वहाँ ऊपर बताया मीटिंग में। देखिए, जब एक नॉर्मल मीटिंग होता है तो अपना व्यू को सब जाता है, और होम मिनिस्टर साहब ने IMC से सिर्फ नहीं, वो अलग अलग संस्था CBO से भी उन्होंने व्यू मांगा, ये नियम है, अच्छा काम कर रहा है होम मिनिस्टर साहब, और अलग अलग धर्म को जो मानता है, धर्म गुरु लोग को भी उन्होंने अपना व्यू मांगा, आगे लॉकडाउन होने से कैसे होगा, अभी समस्या कैसा है, अभी सही में जमीनी स्तर में क्या समस्या, सब पूछा। तो हम लोगों ने अपना व्यू दिया कि सरकार को, अगर आप लोग लॉकडाउन, होम मिनिस्टर साहब अभी बता भी दिया, आप लोग लॉकडाउन को आगे नहीं ले जाते हुए, हम लोग का नीचे एकदम वो लास्ट पंक्ति में जो खड़ा है गरीब लोग जो है बहुत तकलीफ है, हाँ, वो हम लोग ने मैसेज दिया, अगर लॉकडाउन कंटिन्यूस करता है और अगर लॉकडाउन करना है तब तो बहुत गरीब लोग को मदद करना है। आज का ये कुल मिला के वी आर वेरी मच इन द 2D पॉइंट, बिल्कुल हम लोग अपना एजेंडा में है, अगर 7 दिन के लिए और आगे बढ़ना है बोलने से हमने सबसे अपील किया, सही में जो बहुत गरीब वाला, सही में जो बहुत तकलीफ वाला है, वो लोगों को हम लोग सर्विस देना है, बल्कि सर्विस देना है। और लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है, हमको एक दो जने ने फ़ोन भी किया, हमने बोला एक साथ हम बोल लेगा, हम भागने वाला नहीं है, सब बोला है, इसका आपका व्यू क्या हुआ, हम एक छोटा सा कॉरपोरेशन है, सरकार को हम अपना व्यू देता है, आप अपना व्यू देता है, वो बनना नहीं बनना ऊपर में होता है। देखिए, चीफ मिनिस्टर का मर्जी नहीं होता है ऊपर में, आपको मालूम है, किस लिए है? स्टेट का एक टास्क फोर्स कमिटी है कोविड का चलते, वहाँ में एक तो गाइडलाइन है, वो ICMR से आता है, MHA से आता है, आप सब मालूम है, आप सब जानकारी आदमी है। तो वो लोग का इशू ये है कि अरुणाचल में हम खुद
16 तारीख से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कॉरपोरेटर लोग डेली लड़ाई लड़ रहा है। हमारा पब्लिक को हम सीरियस मैसेज देना चाहता है, ये लॉकडाउन आप लोगों के लिए हो रहा है कहीं ना कहीं। वो इसलिए है कि ये लोग जो परसेंटेज को जोड़ रहा है, वो लोग बोलता है कि सबसे पहले 24% उठा, 16% हुआ, 17% हुआ। हम लोगों ने ये मुहिम बहुत दिन पहले से चुन के रखा है। हमारा सिंह साहब लोग, हमारा भाई आप लोग हमेशा से बोल, कहीं कसर हम लोग नहीं छोड़ा। हमारा कमिश्नर को लेके, कॉरपोरेटर को लेके डे वन से हम लोग सैनिटाइजेशन शुरू किया। घर घर में जाके हम लोग ने सबको बुला के कॉन्टेक्ट टेस्टिंग कराया, फिर रेंडम टेस्टिंग कराया। जहाँ मदद देना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला कर रहा है, लेकिन हमारा पब्लिक जो टर्न आउट नहीं हो रहा है। क्यों? वो जो है रेंडम टेस्टिंग के लिए, आपका कोविड टेस्टिंग के लिए टर्न अप नहीं होता है। कोई कोई बाहर से आदमी आ रहा है, गेट में चार गेट में आदमी आता है तो 10 आदमी मिल जाता है पॉजिटिव, और हम टेस्टिंग कराते हैं 20 आदमी का, क्योंकि आदमी नहीं निकल रहा है। निगेटिव वाला नंबर मेरा ज़्यादा होने से तो हम 200 कराने से